हेलो दोस्त नमस्ते। तो आ गए रॉक ब्लॉक वीडियो लेके, और अभी हम हैं रांची में। और रांची में आज एक्सप्लोर करेंगे दो वाटरफॉल को, एक है सीता वाटरफॉल और दूसरा है जुन्हा वाटरफॉल, जो दोनों वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है और दोनों अगल बगल में ही है, इसलिए साथ में ही दोनों को दीदार करेंगे। 1 से 2 किलोमीटर के अंतर्गत ही है। और पहला जगह आ गए हैं सीता वाटरफॉल। तो सीता वाटरफॉल को करीब से जानते हैं और देखते हैं, उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आगे भी शेयर करें ताकि इस तरह का वीडियो लाते रहें। तो चलिए सीता वाटरफॉल। इस तरह से छोटे छोटे सीढ़ियों से होते हुए हम लोग जा रहे हैं सीता फॉल की तरफ, जो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। दोनों साइड खूबसूरत खूबसूरत पेड़ भी हैं। बात करें सीता वाटरफॉल की, तो ये रांची शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसके बगल में ही एक सीता माता का मंदिर है, उसी के नाम पे पड़ा है यह सीता वाटरफॉल। कल ही रात बारिश हुई, इस वजह से जो वाटर का फ्लो है वो बहुत ही तेज़ है, क्योंकि इससे पहले हम लोग हुंडरू वाटरफॉल गए थे, वहाँ का जो वाटरफॉल था थोड़ा कम था, लेकिन यहाँ का खूबसूरती एक अलग ही लेवल का है। मंदिर वाटरफॉल जाने से पहले सीता माता का पद चिन्ह है, तो इसी के नाम पे ये सीता वाटरफॉल इसका नाम रखा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको भी, सीता माता का पद चिन्ह। और इस जगह खूबसूरत सा एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर बनाया गया है, जो चारों तरफ पेड़ हैं। इसे देखने के लिए या फिर साफ़ सुथरा रखने के लिए टिकट लिया जाता है, जो टिकट प्राइस लगभग 15 रुपया पर हेड है। तो चलिए इसके लिए भी सही है। आप जब भी रांची आते हैं तो जुन्हा फॉल, हुंडरू फॉल या फिर सीता फॉल, दसम फॉल, ये सब जगह आप जाते हैं, विजिट करते हैं, जो भी वाटरफॉल्स हैं, यहाँ की रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। टूरिस्ट प्लेस जितना भी है, रोड की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन है वो 25 से 30 किलोमीटर या फिर 40 किलोमीटर के रेडियस में है, और रोड की कनेक्टिविटी बहुत ही खूबसूरत सा है। अभी इसके डेवलपमेंट बहुत अच्छा से किया जा रहा है और किया हुआ है, हर जगह आप आसानी से पहुँच सकते हैं। और रांची शहर की जो भी कनेक्टिविटी है, आप बस से आते हैं, ट्रेन से आते हैं या फिर एयरपोर्ट भी है, आप इस शहर में हर तरह से पहुँच सकते हैं और यहाँ पर पहुँचना भी बहुत ही आसान है। और जो भी टूरिस्ट प्लेस को आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ऑटो टोटो रोड की कनेक्टिविटी बहुत ही खूबसूरत सा है, इसलिए भी आप बाइक से भी जा सकते हैं, ऑटो टोटो से भी जा सकते हैं, मेन सिटी से हायर करके। तो आशा करते हैं जरूर आप आए, इन जगहों को एक्सप्लोर करें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं जुन्हा फॉल। जुन्हा फॉल में खूबसूरत सा छोटे छोटे दुकान है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यवस्था है, होटल भी आपको मिल जाएंगे। तो पहुँच गए हैं अभी जुन्हा फॉल, और जुन्हा फॉल में टिकट प्राइस 10 रुपया पर हेड। और खूबसूरत सा एक जगह है जुन्हा फॉल वाटरफॉल, और सबसे खूबसूरत वाटरफॉल जो है रांची का। और इस जगह पर छोटे बड़े हर किसी का एक अलग ही एडवेंचर कर सकते हैं, जिसके छोटे छोटे बच्चों के लिए पार्क बनाया गया है, बड़ों के लिए एडवेंचर है, एडवेंचर कर सकते हैं। और जिप लाइन का भी व्यवस्था है इस साइड में, जो वाटरफॉल के ऊपर में, तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा एक एडवेंचर। और इस वाटरफॉल के पास आते हैं, जुन्हा वाटरफॉल्स के पास,
तो यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल एक मिलता है चीज़, वो है देसी स्टाइल में खाना जो पत्तों में आपको परोसा जाता है, या फिर आप मुर्गा लेते हैं, देसी मुर्गा जो तोल के आप लेते हैं, फिर उसी को बनाया जाता है और देसी स्टाइल में बनता है ये चीज़। तो ये मज़ा आप जोन्हा फॉल के पास ही ले सकते हैं। तो आप कभी भी आएँ जोन्हा फॉल में, टाइम निकाल के आएँ और इस चीज़ का जरूर लुत्फ़ उठाएँ। वाटरफॉल तो हालांकि आप देखते ही हैं, साथ ही इस चीज़ का जो देसी स्टाइल है जो बहुत ही लोगों को पसंद आता है, ये चीज़ भी खा खा के देखने लायक चीज़ है। और छोटे छोटे सीढ़ियों से होते हुए और हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं जोना वाटरफॉल का जो व्यू पॉइंट है, जहाँ पर खूब बहुत ही खूबसूरत सा नज़र आता है। और ये लगभग 200-250 सीढ़ी होंगे या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, हम काउंट तो किए नहीं, लेकिन जब आप उतरते हैं, व्यू को देखते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो आपका सारा थकान ख़त्म हो जाता है। यही है मेरे पीछे जोन्हा फॉल, है ना खूबसूरत, जो झारखंड का सबसे खूबसूरत सा झरना है, देखने में ही लगता है। हालांकि ज़्यादा ऊंचाई से तो है नहीं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये झरना है। कभी भी आप रांची आएँ तो इन सब जगहों को जरूर एक्सप्लोर करें, जोन्हा फॉल, सीता फॉल, हुंडरू फॉल और बहुत सारे फॉल्स हैं जहाँ तक हम विजिट कर पाएँ और आपको दिखा पाएँ। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं आगे, नीचे से फिर देखते हैं इस जोन्हा फॉल को। तो आज का जो हम लोग का ब्लॉग था वो हो गया है ख़त्म, जो था सीता फॉल और जोन्हा फॉल। तो इस तरह का वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आगे भी शेयर करें, ताकि इस तरह के वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।